ये ले बेटा, दिस इज द माइक, गले में डाल ले, थोड़ा क्लैरिटी आएगी आवाज में। ये भी मिला। मैं सम्मानीय मंच को सादर नमन करती हूँ। आदरणीय शिक्षक गण, निर्णायक गण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सादर नमन। मैं आज आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो आज के युग में सबकी जरूरत बन गई है, इस पर कुछ कहना चाहती हूँ। जिंदगी में स्वास्थ्य ही धन है, कि जिंदगी में स्वास्थ्य ही धन है, बाकी सब मोह माया और भ्रम है। जी हाँ, मेरा विषय तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी विद्वान ने ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, और स्वस्थ मन ही मनुष्य की समस्त उन्नतियों का मूल रहस्य है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन मनुष्य को मानवता के उच्च भूमि पर खड़ा कर देता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, स्वास्थ्य ही धन है। मनुष्य जीवन की सफलता धर्म, काम और मोक्ष मानी जाती है। इन सब का आधार है मनुष्य का स्वास्थ्य और निरोग जीवन। स्वस्थ व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जिस व्यक्ति के मन में साहस और शक्ति का निरंतर संचार होता रहता है, वह हर एक क्षेत्र में प्रगति करता है। स्वस्थ व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है। यह कहना तनिक भी मिथ्या नहीं कि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त करता है। कोरोना महामारी को तो आप भूले नहीं होंगे। एक ऐसी लहर आई जिसने पूरी दुनिया को ही रोक दिया। हम ही नहीं, विश्व का ऐसा कोई देश नहीं था जो इस महामारी की चपेट में ना आया हो। कल कारखाने बंद हो गए, शिक्षा में बाधा आ गई, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जो इसके कुप्रभाव से प्रभावित न हुआ हो। परंतु उन क्षणों में आपने यह अवश्य महसूस किया होगा कि जिस व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, वह इस महामारी की चपेट में नहीं आया। इस महामारी ने विश्व की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी। दुनिया विकास के श्रेणी में लगभग 10 वर्ष पीछे चली गई। परंतु इस महामारी ने हमें एक सबक अवश्य सिखाया कि यदि जीवन का आनंद लेना है, जीवन जीना है, तो स्वास्थ्य को बनाए रखना होगा। आजकल इस भागदौड़ भरी दुनिया में लोगों के पास अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। न जाने किस अंधी दौड़ में दौड़ रही है यह दुनिया, सब कुछ हासिल कर लेने की होड़ और स्वयं को सबसे आगे रखने की होड़ में स्वास्थ्य की ओर अनदेखा किया जा रहा है। परंतु सब कुछ हासिल हो जाने पर जब स्वास्थ्य ही साथ न होगा, तो इन सब चीज़ों का क्या लाभ। यदि सुख को उपभोगना है, तो स्वास्थ्य को बनाए रखना होगा। इसका सबसे सरल और सहज उपाय है संतुलित आहार और योग। जी हाँ, भारत ने विश्व को दी हुई एक अनोखी अद्भुत देन योग, जो मनुष्य के शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने का सबसे सरल और सहज उपाय। कहते हैं संतोष ही सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य ही सर्वोत्तम उपहार। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आते हैं, वह देश के प्रगति में अपना योगदान दे सकेगा। क्या मेरा यह कहना गलत है कि मनुष्य और पर्यावरण का सदियों से एक अटूट रिश्ता रहा है? जी नहीं, हम जानते हैं कि मनुष्य जीवन का आरंभ प्रकृति की सानिध्य में हुआ है, इसलिए यह अत्यंत ही गहरा रिश्ता है। लेकिन मनुष्य ने अपने अस्तित्व के नाम पर, विकास के नाम पर, या यूं कहे कि स्वयं को वैभवशाली बनाने के लिए प्रकृति के साथ जो निर्दयता की है, इससे न केवल प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, बल्कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच के घनिष्ठ रिश्ते अब दुश्मनी में परिवर्तित हो गए। मनुष्य द्वारा किए गए अतिक्रमण ने पर्यावरण को प्रदूषित कर मनुष्य के समक्ष स्वास्थ्य से संबंधित एक घातक शत्रु निर्माण कर दिया है, जो न जाने कब मनुष्य की जीवन लीला को ही समाप्त कर दे। मेरी आप सभी से यही विनती है कि चित्त को स्थिर रखें, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखें, और दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कीमती धन आपका स्वास्थ्य, इसे बनाए और इस तरह एक समृद्ध और आदर्श जीवन जिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सुख का मुख्य सिद्धांत है स्वास्थ्य, कि सुख का मुख्य सिद्धांत है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का ही मुख्य सिद्धांत है योग। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों के समक्ष क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्राकृतिक बुद्धिमत्ता पर विजय प्राप्त कर सकती है, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूँ।
यह प्रश्न आज के डिजिटल युग के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता तेजी से विकास कर रही है और हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम AI के नाम से जानते हैं, AI एक ऐसा तकनीक है जो मशीनों को मनुष्यों की तरह कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। AI में कंप्यूटर सिस्टम, मशीन लर्निंग जैसे अनेक सुविधाएं हैं। AI का मुख्य उद्देश्य मानव बुद्धिमत्ता का नकल करना है, ताकि वह समस्या को सुलझाने और निर्णय लेने जैसे कार्य कर सके। इसके विपरीत प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, यानी मानव की सोचने और समझने की क्षमता, यह एक जटिल और अद्वितीय प्रक्रिया है। यह हमारे अनुभव, भावनाओं और सामाजिक संबंधों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में संवेदना, सहजता और रचनात्मकता पाई जाती है, जो हमें परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित होने और नए विचारों को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करती है। AI ने पिछले कुछ दशकों में अद्भुत प्रगति की है। आज मशीनें ऐसे कार्य कर रही हैं जो कल तक केवल मनुष्यों के लिए ही संभव था। उदाहरण के लिए आप चिकित्सा क्षेत्र ले लीजिए। आज AI रोगों की पहचान करना, उनके उपचार हेतु योजना बनाना और यहाँ तक कि सर्जरी में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हालांकि क्या AI वास्तव में प्राकृतिक बुद्धिमत्ता पर विजय प्राप्त कर सकता है? इसके लिए हमें सर्वप्रथम AI और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की तुलना करनी है। AI डेटा पर आधारित निर्णय लेता है और यह तर्क शक्ति का उपयोग करता है, और वहीं मानव निर्णय में अनुभव और भावनाएं भी शामिल होती हैं। जब मानव किसी विकट परिस्थिति का सामना करता है, तब उसके यही अनुभव और भावनाएं उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं। AI में रचनात्मकता की कमी होती है, हालांकि वह डेटा का उपयोग करके नए विचारों को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वह मानव की तरह मूल रूप से सोच नहीं सकता। AI में संवेदनाएं नहीं पाई जाती, हालांकि वह भावनाओं को पहचान सकता है, जैसे चेहरे की अभिव्यक्तियाँ या वॉइस टोन, लेकिन वह इसे स्वयं अनुभव नहीं कर सकता। कला, संगीत और साहित्य में मानव की सृजनात्मकता अद्भुत है। हालांकि आज AI ने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ हो, लेकिन यह प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। हमारे लिए आवश्यक है कि हम AI का सदुपयोग करें और AI को सदैव एक उपकरण के रूप में देखें, क्योंकि AI हमारी सहायता करने के लिए बना है, ना कि हमारी पहचान लेने के लिए। और हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बनाने वाला कोई प्राकृतिक बुद्धिमत्ता ही तो है। इसलिए हमें यह निसंकोच कहना चाहिए कि चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितना ही विकसित क्यों ना हो जाए, वह प्राकृतिक बुद्धिमत्ता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अंत में मैं यही कहूँगा कि चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चरम सीमा पर पहुँच जाओ, एक से एक आधुनिक मानव भी बना लो, तब भी उसके भीतर आत्मा तत्व कहाँ से विकसित कर पाओगे? क्योंकि कृत्रिम आत्मा नहीं होती, कृत्रिम संवेदना नहीं होती, कृत्रिम भावना नहीं होती। धन्यवाद। तुल जाने दो तरुजे में कि पलना किसका भारी है, तुल जाने दो तरुजे में कि पलना किसका भारी है। तुम्हें तलवार प्यारी है, हमें झनकार प्यारी है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। वो तो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें क्या चुनना है। हमें कौवे की तरह नहीं हंस की तरह बनना है, क्योंकि कौवे अच्छाई में भी गंदगी छोड़ लेते, हंस गंदगी में भी मोती छोड़ लेते। सम्मानित न्यायाधीशगण, शिक्षक और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं एक अत्यंत विचारणीय विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्राकृतिक बुद्धिमत्ता पर विजय प्राप्त कर सकती है? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI कहते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर वर्चुअल असिस्टेंट तक, ऐसा लगता है कि AI उन सभी चीज़ों पर सक्षम है जिनकी हम कभी कल्पना करते थे, आज वो वास्तव में है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को पार कर सकती है, वह बुद्धिमत्ता जिसके साथ हम मनुष्य पैदा हुए हैं। आइए हम दो बुद्धिमत्ता को विस्तार से समझते हैं। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के साथ चलना मतलब हजारों चमत्कारों को एक साथ देखने जैसा है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता हमारे आसपास के दुनिया को समझने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम करता है। इसमें भावनात्मक, रचनात्मक और परिस्थितियों के होने में अनुकूल होती है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता वह बुद्धिमत्ता है जो मानवता का सबसे बड़ा धरोहर है। जो हम अपने प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से समझते हैं, उस पर हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
मैंने अपने भाषण की शुरुआत करने से पहले बोला था ना, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। दूसरी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर और मशीन मानव मस्तिष्क की तरह सीखने, शोधने और निर्णय लेने में सक्षम है। उदाहरण के लिए रोबोट, सेल्फ ड्राइविंग कार, वर्चुअल असिस्टेंट्स इत्यादि। उदाहरण के लिए जहां हमें गणित की जटिल गणनाएं करने के लिए कई समय इत्यादि वस्तु लेके बैठना पड़ता था, आज AI की सहायता से हम कम समय बिना वस्तु के जटिल गणनाएं कर सकते हैं। आज AI से हम चिकित्सा जैसे क्षेत्रों से बड़ी बीमारियों का निदान बड़ी तेजी से किया जा रहा है। AI, तो क्या ये कहना सही है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्राकृतिक बुद्धिमत्ता पर विजय प्राप्त कर सकती है? नहीं, अभी तक नहीं, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिर्फ जो उसको दिया जाता है, जो पैटर्न दिए जाते हैं उसी के बेस पे वो कार्य करते, परंतु मानव मस्तिष्क जो भावनाओं को समझ सकता है, सामाजिक निर्णय ले सकता है, अन्य कार्यों में सक्षम है। इसलिए ये कहना तो इत्यादि गलत है ना कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्राकृतिक बुद्धिमत्ता पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हमने अपने प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के बल पर बहुत विकास किए हैं और इत्यादि हम करते रहेंगे। इत्यादि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को छोड़ दे तो हम अपने प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के बल पर बहुत कार्य कर चुके हैं। अब मैं कुछ दो बात बोलना चाहती हूँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण आज बेरोजगार बैठे हैं। जो कार्य पहले मनुष्य करते थे आज वही कार्य रोबोट्स कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने से कई असुरक्षित कार्य भी किए जा रहे हैं। आज हम यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु भविष्य में हम ऐसा आएगा कि हमें दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। जाते जाते मैं अपने भाषण का समापन दो पंक्तियों से करना चाहती हूँ कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आविष्कार किया मानवता को नई दिशा दिखाया। यांत्रिक के चमत्कार से लबालब मनुष्य को नई भावनाओं की ओर लेके गया। धन्यवाद। मनाने की सुशी और मेरे प्यारे साथ, अस्सलाम। आज मेरी तकरीर का उनवान है योगा और सहेज। योगा भारत का तोहफा है, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुस्तान में 5000 साल पहले इसकी इब्तिदा हुई। हिंदुस्तानी फलसफा और रूहानियत का हिस्सा रही है और हजारों सालों से मुख्तलिफ शक्लों में दुनिया भर में लाई जाए। योगा की मशक से जिस्म को लचक, ताकत और तवाज़ुन मिलता है, जबकि ज़हनी सुकून और अंदरूनी हम आहिंगी पैदा होती है। योगा एक ऐसी नेमत है कि अगर जिंदगी में इस पर अमल किया जाए तो इंसान सेहतमंद होने के साथ साथ मस्बत तवानाई से भी लबरेज हो जाता है। योगा एक ऐसी साइंस है जो इंसान को ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर मजबूत बनाता है। योगा जदीद दौर में तनाव और इस्तेराब को कम करने का एक इलाज है। कहा जाता है कि करो योगा रहो निरो, ये सिर्फ एक नारा ही नहीं है बल्कि ये सच के करीब भी है। योगा जिस्म की सरगर्मी को बढ़ाने और बेहतर सेहत के लिए बहुत जरूरी समझा जाता है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2014 को अक्वामी मुत्तहदा में अपनी तकरीर के दौरान योगा का आलमी दिन मनाने की तजवीज पर 21 जून 2015 को पहली मर्तबा योगा का आलमी दिन मनाया गया। योगा की चार वसी दर्जाबंदी की गई है, जिसमें कर्म योगा, जिस्म का इस्तेमाल, भक्ति योगा, जज्बात का इस्तेमाल, ज्ञान योगा, अक्ल और दिमाग का इस्तेमाल और क्रिया योगा तवानाई का इस्तेमाल शामिल। योगा भारतीय मजहब, लोकगीतों और मुल्की अदब के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। फ्रांस के एक स्कॉलर प्रोफेसर सेनोरल ने योगा को भारतीय सकाफत की मुस्तकी बुनियाद करार दिया है। योगा टेंशन पैदा करने का अमल नहीं है, इसमें बेपनाह इंसानी मशक्कत की भी जरूरत नहीं है, बल्कि इंतहाई सादा और आसान निजाम है जिसमें बाकायदगी से जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी क़ुव्वतों में इजाफे का बायस होती है। अंग्रेजों के यहाँ एक मशहूर मकौला है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत दौलत है। अमरीकी और यूरोपी माहिरीन ने योगा और सेहत की इन मशक्कतों की अफादियत से इस कदर कायम हुए कि उन्होंने बाकायदा एक हिसाब तरतीब दिया और आज वहाँ स्कूलों और कॉलेजों की सतह से योगा और सेहत की मजबूत निसाब में शामिल है। खुद अकवाम ने योगा और सेहत के फन से अपनी नई नस्ल के ज़हनी इस्तेदाद में इजाफा किया, जिसके बाद वो नस्ल 21वीं सदी के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। खुद अकवाम ने पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए हर मसले का हल तलाश किया,
जबकि हम अभी तक अपने मसाइल के हल के लिए जज्बाती अंदाज अख्तियार नहीं कर सकते, तो और शायद खा खा के गोलगप्पे पीट पीट के दाल काट, खा खा के गोलगप्पे पीट पीट के दाल काट, सौ सौ पे भारी होगा एक एक जमा हमारा। समय नतीजा ये निकलता है कि तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए जरूरी है खाना खाने पर तीन हिस्से खर्च करें, एक हिस्से में खाना, दूसरे हिस्से में पानी और तीसरा हिस्सा सांस लेने के लिए खाली छोड़ने। योगा के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ये चेहरे और जिल्द के टिश्यूज तक खुराक पहुंचाता है, खून को साफ करके जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा करता है, अच्छी और खुशबूदार नींद का सबब बनता है, दौराने खून को बेहतर बनाता है, ज़हनी परेशानियों को काबू पाने में मुआवनत करता है, ये मेनोपॉज़ के अमल को तादीर रोकता है, हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी नशिश को बर्खास्त और चालधार को खूबसूरत बनाता है। बहुत सारे अपराध योगा के आसन से ना बाकी होने के बाद ऑनलाइन टीवी के जरिए योगा करने की कोशिश करते हैं, उससे फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। योगा के लिए बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है, लिहाजा उसके आसनों पर अमल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि किसी उस्ताद या सिखाने वाले की रहनुमाई हासिल की जाए। योगा से टीवी से योगा के पोस्टर देखे जा सकते हैं, लेकिन ये अंदाजा नहीं हो पाता कि जिसमें को किस हद तक लचक देनी है, फैलाना है या सुकेड़ना है, कमर को किस हद तक हम देना है या गर्दन का झुकाव कितनी डिग्री तक होना चाहिए। ऐसे में योगा सेहत की बजाय सहमत बन जाता है। विदाउट हेल्थ लाइफ इज नो लाइफ, लाइफ इज लाइफ। आंख जो देखती है लब पर आ सकता नहीं, आंख जो देखती है लब पर आ सकता नहीं, मैं बहरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मौजूद सामईन तमाम असदाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज का मौजू है क्या मसनी जहानत कुदरती जहात पर काबू पालेगी, एक ऐसा मौजू जो मौजूदा दौर में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी ने इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब बरपा कर दिया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुदरती जहानत और मसनी जहानत आखिर हैं क्या। कुदरती जहानत वो सलाहियत है जो कि इंसान को फितरी तौर पर हासिल है, ये इंसान की फिक्री और जज्बाती सलाहियतों का मजमुआ है जो इसे मसाइल को हल करने, तख्लीकी सोच सीखने और नए हालात के मुताबिक खुद को ढालने के काबिल बनाती है। जबकि मसनू जहानत वो टेक्नोलॉजी है जिसे इंसान ने खुद बनाया है ताकि मशीनों को इस काबिल बनाया जा सके कि वो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और काम कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है क्या वाकई मसनू जहानत कुदरती जहानत पर काबू पालेगी। आइए हम दोनों का मुआवजा करते हैं। मसनू जहानत के बहुत से ऐसे पहलू हैं जहाँ ये इंसानी जात पर सबकत ले जाती हैं। मशीनें इंसानों के मुकाबले में बहुत तेज़ी से काम करती हैं, लाखों डेटा का तजिया चंद सेकंड में कर देती है, वहीं इंसान को घंटों लग सकते हैं। मिसाल के तौर पर मालियाती तजिया, डेटा प्रोसेसिंग और पेचीदा हिसाब में मसनू जहानत का कोई मुकाबला नहीं। मसनू जहानत की एक बड़ी खसूसियत ये भी है कि ये थकती नहीं। जहाँ इंसान को काम के बाद आराम की ज़रूरत होती है, वहीं मशीनें बग़ैर किसी वक्फे के मुसलसल काम कर सकती है। यही वजह है कि रोबोट्स और ख़ुदकार मशीनें सनतों में इंसानों के मुकाबले में बहुत से काम ज़्यादा मौसर तरीके से काम अंजाम दे रहे हैं। सामईन अगर हम बात करें गलतियों की, तो इंसानी जान के साथ गलतियों का एहतमाल भी होता है, क्योंकि इंसान जज्बात और ज़हनी थकन का शिकार भी हो सकता है। जबकि मसनू जहानत को जज्बाती दबाव या ज़हनी थकन का सामना नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि ये बहुत कम गलतियाँ करती है और काम में ज़्यादा दुरुस्तगी लाती है। मगर सामईन हम कुदरती जहानत की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मसनू जहानत अभी तक इंसान की तख्लीकी सलाहियतों का मुकाबला नहीं कर सकी है। तख्लीकी सलाहियतें वो सलाहियत है जो कि इंसान को मुनफरिद बनाती हैं। आर्ट, अदब, म्यूज़िक और पेचीदा इखलाकी मसाइल को समझने और इनका हल तलाश करने में कुदरती जहानत की बरतरी बरकरार है। हाजिरीन महफिल अगर आप बात करें जज्बात और एहसासात की, तो मसनू जहानत जज्बात और एहसासात से महरूम होती है। जहाँ इंसान अपने फ़ैसले जज्बात और इखलाकी उसूलों की बुनियाद पर भी करता है, वहीं मशीनें सिर्फ मंतिक और डेटा के मुताबिक अपने फ़ैसले करती है। एक उस्ताद का अपने तालिबे इल्म के साथ हमदर्दी का इजहार, ये एक डॉक्टर का अपने मरीज़ को समझना, ये वो चीज़ें हैं जो मसनू जहानत से मुमकिन नहीं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मसनू जहानत ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान और मौसर बनाया है। मसनू जहानत जितनी भी तरक्की कर ले, ये सिर्फ उन चीज़ों को समझ सकती है जो इन्हें पहले से बताई जाएं। कुदरती जहानत नई चीज़ें दरियाफ्त करती है, नए मसाइल हल करती है और ऐसे मौक़े पैदा करती है जिनका पहले किसी ने तसव्वुर भी ना किया हो।
सामीन, मैं वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए अपनी इन बातों के नशार पर ख़त्म करना चाहूँगी। हम अपनी बेकरीना काविशों से खुद अपनी राह में हायल हो गए। हम अपनी बेकरीना काविशों से खुद अपनी राह में हायल हो गए। हमें कुदरत ने बख्शे थे जो मसाइल, मसाइल दर मसाइल हो गए। अस्सलाम वालेकुम। सल्ली अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, फअऊज़ बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुकर्रम सामईन, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और जज़ साहिबान, अस्सलामुअलैकुम। आज का दौर असासियों का दौर है। तरक्की में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि जिसकी इंतहा ना रही। इस तरक्की के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा धूम मचाई है वो है मोबाइल, जिसको अम्मा अप्पा बोलने ना आता हो, और 3 महीने का बच्चा और जिसके पाँव थरथरा रहे हैं वो बूढ़ा भी मोबाइल का मोहताज हो गया है। जनाबे वाला, मेरे जहनो दिल में इस छोटी सी बिटिया के मुताबिक कई ख्याल आते हैं। अगर मैं मोबाइल हो गया तो जो काम इस नागवार ने नहीं किए हैं वो तमाम काम मैं करूँगा। इस दौरे हाजिर में मोबाइल फ़ायदेमंद से ज़्यादा नुकसानदह साबित हो रहा है। ये इश्क़ो मुआशरा का मकसद बन गया है। किसी शायर ने खूब कहा है कि ये मोबाइल भी किसी आशिक ने बनाया होगा, ये मोबाइल भी किसी आशिक ने बनाया होगा, इसको महबूब के अब्बा ने सताया होगा। अगर मैं मोबाइल हो गया तो इन मुआशिकों की चुगली हर एक से करूँगा। समाज में फैली हुई इस बुराई को भलाई में बदल दूंगा। दूसरी तरफ स्कूल कॉलेजों में तालीम हासिल करने वाले तलबा इस मजाक के ज़्यादा शिकार नजर आते हैं। अगर मैं मोबाइल हो गया तो तालीमी उमूर के अलावा तमाम खुराफाती ऐप को बंद कर दूंगा। बोया पेड़ बबुल से तो आम कहाँ से होवे, बोया पेड़ बबुल से तो आम कहाँ से होवे, चिपके रहोगे मोबाइल से तो काम कहाँ से होवे। क्या कहूँ सामईन इकराम, यहाँ चंद मिनटों में मोबाइल का रोना मुमकिन दिखाई नहीं देता। अगर मैं मोबाइल हो गया तो बच्चों को अपनी फ़ायदेमंद बातों से महफूज करूँगा, उन्हें वक्त की अहमियत बताऊँगा, अच्छी अच्छी बातों से बहलाऊँगा। जनाब, क्या तुम्हें पता है किसी भी मोबाइल की उल्टी सीधी वेबसाइटों से लोग नफ्सियाती मरीज होते जा रहे हैं। अगर मैं मोबाइल हो गया तो एक फ़ायदेमंद गैजेट यानी एक फ़ायदेमंद मोबाइल बनूँगा और इन नफ्सियाती मरीजों के लिए 24 घंटों स्विच ऑफ हो जाया करूँगा, और उस वक्त तक ऑन नहीं होगा कि जब तक आधा घंटा बाप की सेव ना कर लूँ या अपने दोस्तों से मुलाकात उसे हंसी मजाक ना कर लूँ। भूख में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, भूख में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो। अगर मैं मोबाइल हो गया तो धोखा नहीं फ्रॉड लूटमार को बंद कर दूंगा, समाज में भलाई को आम कर दूंगा, और क्या ही अच्छा होगा जब मैं एक भलाई फैलाने वाली चीज़ बन जाऊंगा, ताकि कोई ये ना कह सके कि आपसी रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, आपसी रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, लोग मोबाइल चलाने में लगे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मंदिर के तत्वावधान में उपस्थित निर्णायक गण एवं मेरे मित्रों सभी को मेरा नमस्कार। अभी हाल ही में देश के महत्वपूर्ण समाचार पत्र इंडिया टुडे ग्रुप 18 मार्च 2023 में देश के सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूज एंकर एआई लॉन्च की खबर थी, तो वहीं 6 मार्च 2024 में केरल में लॉन्च देश की सबसे पहली एआई टीचर। देश की इन खबरों को पढ़कर मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया, मन में प्रश्नों का सैलाब उमड़ने लगा। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैसर्गिक बुद्धिमत्ता से ज़्यादा बेहतर होगी या उस पर हावी होगी? जी हाँ, यही है मेरे आज के वक्तव्य का विषय भी। आज की वर्तमान स्थिति पर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र कविता में कितना ठीक ही कहा है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार ये सिद्ध हो चुका है, तो शिशु है अज्ञान फूल काटो की ना तुझे पहचान, काट लेगी अंग तीखी है बड़ी ये धार, तीखी है बड़ी ये धार। मित्रों, आज का विषय विषय मात्र नहीं बल्कि ऐसी वास्तविकता है जिस पर चिंतन और मंथन मानव समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। बचपन में मैंने माँ के मुँह एक पौराणिक कथा सुनी थी,
जिसमें भगवान विष्णु के कान के मैल से मधु और कैटभ ऐसे दो राक्षसों का जन्म हो गया जिनके सामने सभी देवता पराजित होने लगे और अंत में भगवान विष्णु के हाथ ही उसका वध हुआ। अर्थात कथा का सार यही है कि स्वयं द्वारा निर्मित शक्ति कभी कभी हम पर ही भारी पड़ सकती है। स्टीफन हॉकिंग ने इस पर अपने विचार रखते हुए कहा, मैं एक ऐसे समय की कल्पना करता हूँ जब हम एआई के लिए वही होंगे जो कुत्ते मनुष्य के लिए होते हैं। इनका यह विचार काफी डरावना था। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है एआई तो मानव निर्मित है, ये मानव से आगे जा ही नहीं सकती है। एक दौर था जब यंत्र युग का आगमन हुआ था तब भी यही कहा जाता था इंसानों की रोजी रोटी छीन ली जाएगी। मैन वर्सेस मशीन पर गांधी जी भी काफी चिंतित थे। इस लड़ाई में इंसानों की ही जीत हुई, मशीन कभी जीत ही नहीं पाया। मित्रों अब तक तो ये स्पष्ट हो चुका है एआई हमारे समय की सबसे बड़ी सफलता वाली तकनीकी है। तो वही अन्य सफलता वाली तकनीकी बिजली, भाप की शक्ति आदि से अधिक सक्षम भी होगी। लगभग 2029 तक एआई मानव स्तर तक पहुंच जाएगी और 2045 तक अपनी सभ्यता की बुद्धिमत्ता मानव जैविक मशीन बुद्धिमत्ता को लगभग 1 अरब गुना बढ़ा चुके होंगे। परंतु मैं हूं अचंभित, परमपिता परमात्मा की संतान अपने अस्तित्व पर चिंतित। मुझे जन्म देने वाला ही तो मेरी मृत्यु लेगा ना, तो जिसे मैंने उपजाया है उसका विनाश भी तो मैं ही करूँगा। फिर विश्व क्यों एकत्रित हुआ है अपने ही परमाणु विस्फोट को स्वयं बर्बाद करने के लिए। मित्रों मानव में सदैव अपने आप को सुप्रीमो साबित करने की प्रबल इच्छा रही है, तो उसने बना दिया भ्रूण और कृत्रिम पद्धति से ही अपना विकल्प। नतीजा सबने देखा, 2011 में कलाकार रजनीकांत की रोबोट फिल्म में एआई द्वारा होने वाले खतरों से मानव को सावधान करने का प्रयत्न किया है। मित्रों कृत्रिम बुद्धि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन मैथार्टी ने किया। उनके अनुसार एक कृत्रिम बुद्धि ऐसी तकनीकी है जो मानव द्वारा बनाई गई प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करती है, इसमें गलती होने की संभावना भी नहीं होती है। तो वही वास्तविक बुद्धि में स्मृति के साथ साथ विस्मृतियाँ भी होती है जो कभी न कभी जीव को बेकार कर देती है। इसमें विस्मृति का गुण होता ही नहीं है, इसके कार्यों में गलती भी नहीं होती है। यही तो बातें उस जीव की बुद्धि से बेहतर बनाती है। परंतु बात घूम फिर कर आ जाता है कि एआई को जितना सिखाया जाता है उसके आगे सोच ही नहीं पाती, जबकि वास्तविक बुद्धि जब तक विस्मृति से दूर होती है अर्थात जीवा होती है तब तक वो कुछ ऐसा कर सकती है जो कभी सोचा ही न गया हो। एआई हमारे लिए खतरा है या नहीं, एक जटिल प्रश्न है, इसका कोई आसान उत्तर नहीं है। अभी हाल ही में विश्व में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। साल 2021 में अमेरिका के टेक्सॉन फैक्ट्री में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर रोबोट ने हमला कर दिया। तो वही जुलाई 2022 में एक खेल की चाल न समझ आने पर रोबोट ने बच्चे की उंगली ही तोड़ डाली। ऐसे कई अनगिनत उदाहरण हैं। तो वहीं दूसरी ओर एआई में मानव जाति के लिए कई लाभ प्रदान करने की क्षमता है। यह हमें अधिक कुशल और उत्पादक बनाने में मदद करता है, हमारे कार्यों को हल करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए चिकित्सा में नए अनुसंधान विकसित करने, पर्यावरण की समस्याओं को हल करने, अंतरिक्ष की खोजों में मदद करने। तो वहीं दूसरी ओर एआई से मानव जाति के लिए कई संभावित खतरे भी हैं। इसका उपयोग हथियार तथा हानिकारक उपकरण विकसित करने के लिए किया जा सकता है, पड़ोसी राष्ट्रों पर नियंत्रण तथा निगरानी करने के लिए किया जा सका है। इसलिए आज आवश्यक है कि एआई का उपयोग जिम्मेदारी से करें ताकि इसका उपयोग मानवता के लाभ के लिए किया जा सके, ना कि नुकसान के लिए। अंत में इस पंक्ति द्वारा अपनी वाणी को विराम देती हूँ, चाहे कितनी भी हो तकनीकी ज्ञान की बात, एआई तो केवल मशीन है, वह क्या जाने दिल के जज्बात। कृत्रिम बुद्धि के कितने ही दौर आएंगे पर मानवता के आगे घुटने टिका न पाएंगे। धन्यवाद। मैं आप सभी के सामने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से बेहतर है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 1950 के दशक में मशीनी बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए दो दृष्टिकोण सामने आए थे। पहला दृष्टिकोण जिसे प्रतीकात्मक एआई या गॉफ एआई के रूप में जानते हैं, कंप्यूटर का उपयोग दुनिया और सिस्टम का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करने के लिए करना था जो दुनिया से तर्क कर सके। इसके समर्थक प्रमुख रूप से एलन नेवल, हर्बर्ट साइमन और मार्विन मिनिस्के थे। दूसरा दृष्टिकोण जिसे कनेक्शनवादी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, इसके समर्थक प्रमुख रूप से फ्रैंक रोसेनबिल्ड थे। उन्होंने न्यूरॉन्स के तरीकों से प्रोस्पोटॉन को जोड़ने की मांग की थी। जेम्स मानिका और अन्य ने दोनों दृष्टिकोणों की तुलना की। मानिका का तर्क है कि कनेक्शनवादी दृष्टिकोण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आवश्यक है। हम सभी जॉन एमसी कार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता के रूप में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का उपयोग उनके n.mouse वर्कशॉप में किया था। उनका कहना है, साइंस और इंजीनियरिंग को लेकर एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सकता है जो खुद से सोच विचार कर तर्क निर्णय ले सकता है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता एक जैविक बुद्धि है जो प्राकृतिक तत्व जैसे पेड़, पौधे, प्राणी और पर्यावरण को वर्गीकृत करने तथा उनमें हेर फेर करने की क्षमता रखती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानव त्रुटियों को कम करने के लिए, दोहराई जाने वाली नौकरियों को रोकने के लिए तथा विशेष धोखाधड़ी कार्यों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का
प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का उपयोग छात्रों में आलोचनात्मक सोच कौशल निर्माण जिज्ञासा निर्मित करने तथा पर्यावरण के प्रति सहानुभूति निर्मित करने के लिए किया जाता है। जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह से जहां दोनों के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर रहा है, जैसे इसका कार्यान्वयन काफ़ी महंगा होता है तथा इसका कार्यान्वयन काफ़ी महंगा होने के साथ साथ इसमें भावनात्मक तथा रचनात्मकता की कमी होती है। तो वहीं प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में स्मृति संबंधित बाधाएं सीखने की क्षमता नहीं होती है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या मानव समाज को सचमुच इसकी आवश्यकता है, और अगर हाँ तो ये मानव समाज को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें तो हाँ, क्योंकि मानव इतिहास हमें बताता है मनुष्य हमेशा अपने कार्यों को करने के लिए कुछ अधिक तेज प्रभावशाली ढूंढता रहता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहीं प्राकृतिक बुद्धिमत्ता भी मानव समाज के लिए आवश्यक है क्योंकि यह मानव के जटिल निर्णयों को हल करने के लिए आवश्यक है। तो ये मानव समाज को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं AI पैटर्न को पहचानने में अच्छा है, जिस कारण से मानव समाज में रहने के हमारे तरीके को प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी और धन असमानता सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि आज बहुत सी ऑटोमोबाइल असेंबली लाइनें रोबोटों और मशीनों से भर गई हैं, जिस कारण से गरीब और अमीर के बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही है। नए मुद्दे केवल सामाजिक अर्थों के सामने ही नहीं बल्कि मशीनों के सामने भी आएंगे, जिस कारण उसे सिखाया जा रहा है, सरल भाषा में कहा जाए तो उसे उस चरण तक पहुंचाया जा रहा है जहां मानव का भी नियंत्रण नहीं है, जिससे अप्रत्याशित समस्याएं और परिणाम सामने आएंगे। यह AI को संदर्भित करता है कि AI में ग्लोरिज्म की मात्रा बढ़ने से AI मनुष्य के निर्देशों को अनदेखा करते हुए अपने आप के तरीके से काम करने लगेगा, जो मानव समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। वहीं प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जिससे हमारी क्षमताएं और भावनात्मक समझ शामिल है, यह मानव को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है, जैसे भावनात्मकता, प्रतीकात्मकता, व्यक्ति परिपक्वता आदि। तो अंत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में कौन बेहतर है, यह उनके संदर्भों पर निर्भर करता है। क्योंकि AI भारी डेटा कार्यों को करने में अच्छा है तो वहीं प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जटिल निर्णयों को लेने में बेहतर है। दोनों की अपनी अपनी ताकत है तो कुछ कमजोरियां भी हैं। धन्यवाद। सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। आइए आप सभी मान्यवर का हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय निर्णायक महोदय, गुरुजन एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मेरी चर्चा का विषय है योग एवं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? क्या स्वास्थ्य सभी शारीरिक असुविधाओं से मुक्ति की स्थिति है? क्या स्वास्थ्य केवल हमारे भौतिक शरीर से संबंधित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम स्वास्थ्य को किसी भी बीमारी से मुक्त होने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को बीमारियों से मुक्त होने के लिए दवाइयों की आवश्यकता होती है ना, वैसे हमारे मन को अपनी उपचार प्रक्रियाओं के लिए योग की सहायता की आवश्यकता होती है। सरल शब्दों में हम योग को मन व भौतिक शरीर के बीच की खाई को पाटने के लिए एक शारीरिक गतिविधि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसे कला और विज्ञान का मिश्रित संस्करण मान सकते हैं, जो व्यक्ति को स्वस्थ एवं शांत जीवन जीने के लिए आवश्यक है। भारतीय संस्कृति विश्व में अपनी श्रेष्ठता और महानता के लिए प्रसिद्ध रही है। योग शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऐसा माना जाता है ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, जो शरीर, आत्मा व मन को योग करने अर्थात जोड़ने का एक तरीका सिखाती है। मणि मणि और क्या सोना चांदी सब है दिखाने के खिलौने। आभूषण परिधान से बड़ा मन है। सबसे अनमोल स्वास्थ्य धन है। आज के समय में क्या योग क्या व्यायाम, लोग तो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जितना कमाने के लिए भाग रहे हैं उतना ही अपने स्वास्थ्य से दूर जा रहे हैं। कहते हैं कि बिल गेट्स जमीन पर गिरी किसी चीज को उठाने के लिए झुक जाए तो उनका करोड़ों का नुकसान होता है। क्या पैसा और व्यवसाय ही सब कुछ है? नहीं, किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए जरूरी है जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है हमारी सेहत, इसे संभाल कर रखें। जब यही नहीं रहेगी तो बेड पर पड़े पड़े कौन सी तरक्की करेंगे? क्या कभी बेड पर पड़े व्यक्ति की पीड़ा को जानना चाहा? जो अमीर तो बहुत है परंतु उसे जिंदगी का सुख नहीं मिल सकता। जो रोगी बेड पर पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहा है उससे पूछो जिंदगी क्या होती है। अरे संसार की कोई भी दौलत हमारी आंखें, हमारे गले, हमारे हृदय, हमारे किडनी, हमारे फेफड़ों की भरपाई नहीं कर सकती। इससे पहले हमारे जीवन की बहुमूल्य पूंजी, अनमोल पूंजी हमारा स्वास्थ्य डैमेज हो, मैनेज करो जीवन में योग और कसरत को।
शरीर और आत्मा के लिए, शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद से खुद को मिलाने का मौका है योग, खुद से खुद को मिलाने का मौका है योग। तो आइए मार्क्स जर्मे के शब्दों को याद करें, अपना अतीत के इतिहास, उत्पत्ति और संस्कृति के ज्ञान के बिना लोग बिना जड़ की पेड़ की तरह हैं। तो आइए योग से अपनी स्वास्थ्य की जड़ों को मजबूत बनाएं। जैसे रोज सुबह उठकर मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, वैसे ही योग से तन मन को चार्ज करें। शहरी भाग दौड़, अवसाद का कीचड़, बेचैनी घबराहट की दलदल से बचना है तो एक ही रास्ता है योग, एक ही रास्ता है योग। तो आइए आज ही संकल्प करें, योग कर तन मन को स्वस्थ करें। अंत में इतना ही कहूँगी, निराशाओं के अंधियारे में आशाओं के दीप जला दो, जीवन स्वास्थ्य की डूबती नैया में उद्देश्यों की पतवार बना लो। कर प्रतिज्ञा तुम्हें मेरे मित्रों, कर प्रतिज्ञा तुम्हें मेरे मित्रों, योग को जीवन का भिन्न अंग बना लो, योग को जीवन का भिन्न अंग बना लो। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, गुरुजनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मनुष्य की सत्ता के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल मेरा विषय है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और नेचुरल, जिसे नेचुरल बुद्धिमत्ता कहते हैं, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दरअसल आज के युग में हमारे चार ओर हमारी टेक्नोलॉजी, यानी कि जिसे तकनीकी कहते हैं, उसका जाल बिछाया गया है। हम आज AI का यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें कि जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में उपस्थित होगा, जैसे कि Alexa हो गया, ChatGPT हो गया, ऐसे गूगल हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसे कि हम AI कहते हैं। उनकी मदद से हम रिसर्च से रिलेटेड बना, एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। लेकिन ये NI क्या है, इसके बारे में मैं सबसे पहले बताऊंगा। NI हमारे इसी माइंड के सोचने की, समझने की, कोई गलतियों से होने वाली क्या एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस लेकर उसे आगे भविष्य में किस प्रकार से काम लाना है, अनुभव लेना है, यही सब हमारी माइंड की सोचने की, समझने की कल्पनाओं को ही हम NI कहते हैं। और लेकिन जैसे कि हम जानते हैं श्री कृष्ण को, उन्होंने कहा है जो व्यक्ति अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करता है वो पूरे दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और इसी प्रकार से बहुत सारे व्यक्तियों को जानते हैं, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने इसी NI का उपयोग करके बहुत बड़े आविष्कार किए हैं, अपने उपदेश दिए हैं, जिनके वजह से आज तक लोग अपने इसी NI का उपयोग करके बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम समस्याओं को डाटा के आधार पर तो हल करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अपने अनुभव के हिसाब से, अपने भावनाओं के हिसाब से, नैतिकता के आधार पर भी हम अपने समस्याओं को हल करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट AI क्या है, जैसे कि बोलते हैं ना, गुरु ने अपने चेलों को बनाया, एकदम वैसे ही NI ने AI को बनाया। AI वो है जिसे कि मशीनों की बुद्धिमत्ता कहते हैं, जैसे कि आज के समय में वीडियो एडिटिंग हो गया, इमेज एडिटिंग हो गया, वॉइस ओवर हो गया, ये सब करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, किसी एडिटर को रखा जाता है। लेकिन अब AI आ गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है, AI को पैसे दो, AI प्लेटफॉर्म अच्छे से खरीदो और फिर उसकी मदद से टैक्स करो, वीडियो बन जाते हैं, जो कि पिछले पहले समय में बहुत घंटों लग जाते थे, लेकिन अब जल्दी हो जाते हैं। इसका मतलब हम समय की बचत कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जगत में समय बड़ा बलवान, अर्थात हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की बचत कर रहे हैं। अब हम जानते हैं टेस्ला है, जो कि अपने आप चलती है, कुछ चलाने की बलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप चलती है, हाँ। और उसी प्रकार से सैटेलाइट है, जो कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर है, जो कि पृथ्वी को जाँच करती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, क्या डिजास्टर आने वाला है, इस सब की जाँच करती है। उसी प्रकार से इसे भी AI कहा जा सकता है। लेकिन इन दोनों में, यानी NI और AI में क्या अंतर है? दरअसल जो NI होता है वो सीमित नहीं होता है, NI अनंत है, लेकिन जो AI है वो प्रोग्रामिंग होता है, वो कुछ काम ही कर सकता है, उससे ज़्यादा वो डिटेल नहीं दे सकता। और जो AI होता है, AI हम मनुष्यों की सोच समझ के बिना अधूरा है। जैसे कि मेडिकल फील्ड में कोई पेशेंट है तो उसकी जो डिटेल्स है डिजीज से रिलेटेड, उसे समझने में मदद करता है, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो डॉक्टर खुद अपने अनुभव के हिसाब से लेता है कि इसमें ऐसा हुआ तो ऐसा करना चाहिए, तो उसके हिसाब से डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर की NI के हिसाब से वो एनालिसिस किया जाता है। और इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो NI है वो बहुत सारे कार्य कर सकता है, लेकिन AI कुछ सीमित ही कार्य कर सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या निष्कर्ष निकलता है इसका, क्या है? तो सबसे पहले NI और AI, आज इन दोनों का युग है, इन दोनों में बैलेंस करना चाहिए। दूसरा, AI की मदद से फ्यूचर में बहुत सारे हम लोग ऊँचाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं। AI आज भारत के देश में, जैसे कि कोई देश आक्रमण कर रहा है तो हमारे यहाँ पे जो मिसाइल्स है वो एक्टिव रहते हैं, AI जैसे AI डिटेक्ट करता है और वो जाके उस सैटेलाइट को, उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मैं लास्ट में जो पंक्तियाँ कहूँगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है,
मशीनों को दिया है ये ज्ञान, पर एहसास कहाँ से लाए। मशीनों को दिया है ये ज्ञान, पर एहसास कहाँ से लाए। एआई हो कितना भी तेज है, इंसान से वो आगे न जाए। धन्यवाद। नेक्स्ट सैयद आयुषा। कि मैं जमीन में अपना नायक बनाने वाला हूँ। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायक, अपना खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा और कायनात की तमाम चीजों को उसके जरिए मसरूफ कर दिया ताकि वो उसमें अपना निजाम हयात कायम करे। समय अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाए तो हमें ये पता चलता है कि इंसानी इब्तदाई जिंदगी से लेकर अब तक की तरक्की याफ्ता जिंदगी उसके तहकीकी और तजस्सुसी जहन की काबिश का नतीजा है। अल्लाह ताला ने उसे ऐसा पायदार जहन अता किया कि आज वो खला और मामला खला तक पहुँच गया है कि आशकारा है ये अपनी पूरी तस्वीर से, आशकारा है ये अपनी पूरी तस्वीर से मिट्टी के पैकर में निभा है जिंदगी। समय बड़े इंसान की हमेशा से खुदकारी ऑटोमेशन इन्वेंशन की ख्वाहिश रही। आज हर तरफ मजदूरी जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चर्चा है जिसने सारी दुनिया को हैरान करके रख दिया है और ये सारी जहन की ही इजाद है कि मेरे 100 की तस्वीरें फितरत के आगे, मेरे 100 की तस्वीरें फितरत के आगे अनासिर का अपन को जिगर का बता है। मंसूबाबंदी हो या मशवरा हो या मस्तूरी जहानत इनका समंदर लिए हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रही है और ये टेक्नोलॉजी की इंतहा है। बकौले अल्लामा इकबाल, ज़माना अक्ल को समझा हुआ है पशलेरा, ज़माना अक्ल को समझा हुआ है पशलेरा, किसे खबर के जुर्मों भी है साहिबे इदरा। हाकम सामईन, मस्तूरी जहानत के जहाँ बहुत सारे फायदे हैं उसके साथ नुकसान भी अवस्था है। मस्तूरी जहानत अगर एक शानदार सलाहियतों का मालिक है लेकिन ये खामी से काम नहीं, मसलन फेक न्यूज, गलत मालूमात का फरोग, जाली खबरें, लोगों की आवाजों की नकल, तस्वीरों का गलत इस्तेमाल, अब ये खदशा भी सामने आ रही है कि मुस्तकबिल में मस्तूरी जहानत इंसानी जहानत का मुतबादिल बन जाएगी। मस्तूरी जहानत का इस्तेमाल खुदकार हथियार तैयार करने के लिए भी किया जा रहा है जिससे जंगें और भी ज्यादा तबाहकुन हो जाएंगी। एआई के मौजिक जेफरी हंटर ने गूगल से इस्तीफा देने के बाद लोगों को यह खबरदार किया कि एआई चैटबॉट इंसानों से ज्यादा सही हो सकते हैं। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या महकूम हाकिम पर हुकूमत कर सकते हैं? क्या ईजाद मौजिक को अपने हल्के में ला सकती है? यही बात आज मेरा मौजूद सुफन है, क्या मस्तूरी जहानत इंसानी जहानत पर गलबा पा सकती है? मेरे नुक्ते नजर से हरगिज नहीं। माना कि मस्तूरी जहानत एक ताकतवर टेक्नोलॉजी है जिससे माशरे को बहुत ज्यादा खतरा लाहक हो सकता है, लेकिन जब एटम बम बना तो उसमें ये सलाहियत नहीं थी कि वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे। जब पेनिसिलिन इजाद हुई तो उसने खुद जरासीम को मारना शुरू नहीं किया बल्कि उसे इंसान की जरूरत थी। इसी तरह एआई में इतनी ताकत नहीं है कि वो कुदरत की तख्लीक करदा इंसानों पर हुकूमत करे। अलबत्ता ये हो सकता है कि इंसान खुद इन मशीनों के जरिए सामाजिक इकदार का भला घोट दे और समाज को ऐसे दलदल में लेकर जाए जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। सूरह हज में इरशाद रब्बानी है, क्या तुमने ना देखा कि हमने तुम्हारे काबू में कर दिया जो कुछ के जमीन में है? जब रब ने कायनात नहीं दुनिया में मौजूद हर चीज को हमारे ताबे कर दिया तो हमें ये चाहिए कि हम मस्तूरी जहानत को बलवे कार लाते हुए आने वाली नस्लों को नाकामी और रुसवाइयों से बचा कर उन्हें बामे बुरूज पर ले जाए। मंजिल तो मेरे अपने इरादों के साथ है, मंजिल तो मेरे अपने इरादों के साथ है, रहबर मिले ना कोई नक्शे कदम मिले, रहबर मिले ना कोई नक्शे कदम मिले। हमारे मोहतरम जज साहिबान, असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो मुस्तकबिल की दुनिया के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। क्या
मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुदरती ज़हानत यानी इंसानी दिमाग और फितरी सलाहियतों को पीछे छोड़ सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो एक तवील अरसे से ज़ेरे बहस है और इस पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मस्नूई ज़हानत होता क्या है। मस्नूई ज़हानत मशीनों को एक ऐसा निज़ाम देने का फ़न है जो इंसानों की मानिंद काम कर सके। ये निज़ाम इंसानों की तरह सीखता है, फैसले करता है और मसाइल हल करता है। मिसाल के तौर पर आजकल के रोबोट्स, चैट जीपीटी और दीगर कई टेक्नोलॉजीज मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल करके लोगों से बातचीत करते हैं, उनके मसले हल करते हैं और यहाँ तक कि खुद से कुछ फैसले करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या AI मुकम्मल तौर पर कुदरती ज़हानत की जगह ले लेगा या ये सिर्फ इंसानी ज़हानत का महज एक इजाफा बनकर रह जाएगा। बेशक AI के अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं। इसमें बड़ी मकदार में डेटा को फौरी तौर पर प्रोसेस करने, बहुत पेचीदा मसाइल हल करने, बहुत से कामों को खुदकार तरीके से अंजाम देने की सलाहियत है। ये मशीनें थकती नहीं, इनको आराम की ज़रूरत नहीं और ना ही इनकी जज्बाती हालत इनके फैसलों पर असरअंदाज होती है। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि AI का इस्तेमाल बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जैसे मेडिसिन, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी से बढ़ रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है, मशीनें भी सीख जाती हैं चलने का ढंग, मशीनें भी सीख जाती है चलने का ढंग, मगर दिल की दुनिया से है वो अभी भी तंग। यहाँ ये बात काबिले गौर है कि मस्नूई ज़हानत में वो कुदरती ज़हानत की तख्लीकी सोच और इखलाकी फैसले करने की सलाहियत नहीं है जो इंसानों में पाई जाती है। AI अपने डेटा और प्रोग्रामिंग तक ही महदूद है। ये वो डेटा और मालूमात इस्तेमाल करता है जो इसे दिया जाता है। इसमें खुद से ख्याल इख्तरा करने की सलाहियत नहीं होती। किसी शायर ने कहा है, जब चिराग रोशन हो तो अंधेरा भी मिट जाता है, जब चिराग रोशन हो तो अंधेरा भी मिट जाता है, इंसान के सोचने का अंदाज ही उसे आगे बढ़ाता है। इंसानी दिमाग कुदरती ज़हानत की बेहतरीन मिसाल है। इंसानी ज़हानत ना सिर्फ सीखने और फैसले करने की सलाहियत रखती है बल्कि ये तख्लीकी सोच, हमदर्दी और जज्बाती ताल्लुकात की भी सलाहियत रखती है। हम नए ख्यालात पेश कर सकते हैं, नए मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं और सबसे अहम बात, हम अपने तजुर्बात और एहसासात की बुनियाद पर फैसले करते हैं। AI किसी भी हद तक तरक्की कर जाए लेकिन वो इंसानी जज्बात, इखलाकियात और तख्लीकी सतह तक नहीं पहुँच सकता। इंसानी ज़हानत दुनिया को न सिर्फ तकनीकी लिहाज से बल्कि समाजी और इखलाकी लिहाज से भी बेहतर बनाने में मदद देती है। हम फैसले करते वक्त ना जज्बाती और इखलाकी पहलुओं को मद्देनजर रखते हैं, जबकि AI आदाद और शुमार और मुंतक के मुताबिक काम करता है। इस बात का इम्कान नहीं कि AI मुकम्मल तौर पर इंसानी ज़हानत की जगह ले लेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि AI इंसानी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करेगा। AI और इंसानों का मुस्तकबिल बाहमी तआवुन पर मबनी है। इंसान AI का इस्तेमाल करके हमारे अपने कामों को बेहतर और तीसर कर सकता है। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मस्नूई ज़हानत और कुदरती ज़हानत के दरमियान मुकाबला करने के बजाय हमें इसे एक साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। AI एक ताकतवर टूल है लेकिन इंसानी ज़हानत की तख्लीकी सोच और जज्बाती गहराई कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इंसान जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंसानों के फैसलों की ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी। हमें इस बात का यकीन करना चाहिए कि AI हमारी मदद करे, ज़रूर करे, लेकिन इंसान हमेशा उसकी रहनुमाई करता रहे। ये ना सिर्फ हमारा हक है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम AI का इस्तेमाल इंसानियत के फ़ायदे के लिए करें। अपनी बात का अख्तिताम चंद लफ्ज़ों से करना चाहती हूँ। कभी तो अक्ल का चिराग जलाओ, दिलों की रोशनी ज़रूरी है, कभी तो अक्ल का चिराग जलाओ, दिलों की रोशनी ज़रूरी है। मशीनें चाहे जितनी हो जाए होशियार, मशीनें चाहे जितनी हो जाए होशियार, इंसानी जज्बात भी ज़रूरी हैं, इंसानी जज्बात भी ज़रूरी है। शुक्रिया। मुझे तो नींद नहीं आएगी कि मेरा शऊर शबे सियाह से आंखें चुरा नहीं सकता, अगर निशान सफ़र तक कहीं नहीं ना सही, मैं रेंग रेंग कर ये शब नहीं गुजारूंगा, शिकस्त से मेरा खलाक अजनबी है नदीम, सहर मिले ना मिले रात से नहारूंगा, रात से नहारूंगा। जनाब सदर, आज हमारा समाज इंसान के बनाए हुए एक आले के सामने बेबस होकर रह गया है। मानो ये आला अब हमें कंट्रोल कर रहा है और मोबाइल से मिलने वाली सहूलतों से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस सद अफसोस, मोबाइल फ़ोन अपने साथ एक ऐसा सहर लेकर आया है कि जिससे हर छोटा बड़ा फ़र्द मदहोश होकर रह गया है। लोग धीरे धीरे बेहिसी, बेफिक्री, बदलिहाजी और बर्बादी की तरफ रवा दवा है। जनाब सदर, मैंने सुना था कि एक छोटे बच्चे से पूछा गया, आप क्या बनना पसंद करोगे? तो इसने कहा कि मैं मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ ताकि मेरे माँ बाप हर वक्त मुझ पर तवज्जो दें। सुनकर तो बहुत अफसोस हुआ,
लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर मैं मोबाइल होता तो। जी हाँ जनाब आली, मेरी तकरीर का उनवान है अगर मैं मोबाइल होता। अगर मैं मोबाइल होता तो सबसे पहले 24 घंटों की सर्विस देने से इनकार कर देता। ये जो चलन चला है ना कि अब तो कुछ और एजाज दिखाया जाए, अब तो कुछ और एजाज दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए, मैं इसकी ऐसी की तैसी कर देता। जनाब आली, अगर मैं मोबाइल होता तो अपने हर यूज़र को पहचान कर एक दिन में सिर्फ चंद घंटों के लिए ही अपने इस्तेमाल की इजाज़त देता, ताकि हर शख्स इस लिमिटेड टाइम में सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी काम ही कर सके और कीमती वक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ज़ाया होने से बच जाए। अगर मैं मोबाइल होता तो कम उम्र बच्चों को पहचान कर इनके लिए सिर्फ तालीमी और तफरी की बेहतरीन चीज़ें ही पेश करता। अगर मैं मोबाइल होता तो कसम खुदा कि मैं खुद को ख़त्म कर लेता, लेकिन इन मासूम बच्चों तक फहश मवाद, नुकसानदा ऑडियोज़ वीडियोज़ हरगिज़ हरगिज़ पहुँचना देता। अगर मैं मोबाइल होता तो झूठी खबरों, शर अंगेज और फसाद बपा करने वाले पैगाम को सेंड करके ऑटो डिलीट कर देता और सिर्फ ज़रूरी, जायज़ और मोहब्बत फैलाने वाले पैगाम को ही आगे फॉरवर्ड करता, ताकि अमन अमा कायम रहे। जनाब आली, अगर मैं मोबाइल होता तो कॉलिंग टाइम लिमिटेड कर देता, ताकि हर शख्स सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी बात ही कर सके और किसी का वक्त बेकार बातों में ज़ाय ना हो सके। मैं खाना खाने के औकात में इनकमिंग आउटगोइंग सर्विसेज बंद कर देता, स्टडी और काम के वक्त पर इंटरटेनिंग ऐप्स बंद कर देता। अगर मैं मोबाइल होता तो लड़कियों की सेल्फी लेने की हद मुकर्रर कर देता, और वो होती महीने में सिर्फ एक। जनाब आली, अगर मैं मोबाइल होता तो वीडियो कॉलिंग इतनी महंगी कर देता कि लोग हवाई टिकट खरीद कर एक दूसरे से मिलने जाना मंजूर कर ले, लेकिन वीडियो कॉल ना कर सके, ताकि लोग बेमकसद वीडियो कॉलिंग के ज़रिए दूसरों के घरों में झांकने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे सके। और हमारी मोजिज़ ख़वातीन दूसरों के घरों की बिरयानी की देगों पर अपनी नीयत ख़राब करने की बजाय अपने चूल्हे पर जलती दाल बचा ले। और हमारी नई नस्ल वीडियो कॉलिंग के ज़रिए एक दूसरे की सूरत निहारने की बजाय अपनी बिगड़ी बना ले और अपने बापों की पगड़ी संभाले, जो इनके करतूतों के सबब ज़माने के ठोकरों में पड़ी है। जनाब आली, अगर मैं मोबाइल होता तो वीडियोज़ अपलोड करने पर कई गुना ज़्यादा चार्जेस लगा देता, तब आप देखते कि कैसे सोशल मीडिया इन बेहुदा फजूल रील्स, शॉर्ट, टिकटॉक और ब्लॉग वगैरह से पाक हो गया है, और हमारी नई नस्ल इन बेकार कामों को छोड़कर अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करने लगेगी, और इंशाल्लाह फिर हम क्रिएटिविटी और इन्वेंशन के मैदान में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। जनाब आली, मोबाइल बनकर मैंने इतना कुछ तो तसव्वुर कर लिया, लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं तो मोबाइल हूँ, मैं तो इंसान के हाथ का खिलौना हूँ, इंसान जैसे चाहे मुझे चलाए, मेरी तमाम बागडोर इन्हीं के हाथों है, भला मुझ पर मेरा क्या जोर। लेकिन यह हकीकत में मुमकिन है, अगर मोबाइल सर्विस का कंट्रोल किसी ऐसी सोच रखने वाले मुफक्किर के हाथ आ जाए तो यह सब मुमकिन है। अब ज़रूरत है ऐसे काबिल लोग आ गया है और इस आले जहमत को आले रहमत में तब्दील कर ले, और अगर यह सच में हो गया तो मेरा दावा है कि आपको लगेगा जैसे आपके ज़िंदगी के साल दुगना हो गए हैं, क्योंकि आपका आधा वक्त मोबाइल की अंधेर नगरी में खोने से बच जाएगा। न गुफ्तगू से न वो शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फिरौन इसी से जाएगा। अगर है फिक्रे गिरे बात तो घर में जा बैठो, ये वो अजाब है दीवानगी से जाएगा। शुक्रिया। यहाँ पर बैठे सभी लोगों को मेरा आदरणीय नमस्कार। आज का मेरा विषय है यदि मैं मोबाइल होता तो, जब मैं इंसान अगर मैं मोबाइल बन जाऊँ तो, यदि मैं मोबाइल होता तो मेरे पूरे दुनिया में बहुत महत्व होता, जैसे इन दिनों में है, बहुत मोबाइल बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारे चीज़ों में उपयोग में आता है। मैं आपके रिश्तेदार व दोस्तों से बात करने में मदद कर पाती तथा और वीडियो कॉल कर एक दूसरे का चेहरा देखने में मदद कर पाती। मेरे द्वारा मैप के कार्य भी कर पाते, मेरे द्वारा बहुत कुछ कर पाते, और वैसे मेरे बहुत सारे लाभ होते। उसमें से मेरे अंदर एक बहुत ही लाभदायक ऐप होता जो है गूगल। आइए गूगल की विशेषताएँ जानती। गूगल की विशेषताएँ क्या है? गूगल बहुत लाभदायक ऐप है, ज़्यादातर पढ़ाई के लिए। जब पढ़ाई में बच्चों को कोई परेशानी होती है, जो प्रश्न का हल वो उन्हें ढूंढना होता है, जब उनके आसपास कोई ना हो बताने वाला, तो वे क्या करते हैं? वो गूगल करते हैं। वो गूगल में खोजते हैं कि उन्हें जो प्रश्न का हल चाहिए वो उसमें है या नहीं,
और यकीन है कि उसमें मिल जाता है वो हल, और वो हल को वो लिखते हैं और सुबह जाकर या फिर दोपहर में जाकर जो अपने विद्यालय में वो बताते हैं, वो जो बताते हैं गूगल से सही जानकारी लेकर आते हैं। तथा आप अपने पढ़ाई के प्रश्न ही नहीं, इसमें आप बहुत सारी जानकारियाँ भी ले सकते हैं और इसे आगे बढ़ा भी सकते हैं। आप इससे बहुत सारे नए चीज़ें सीख सकते हैं। गूगल से भाषाएं भी सीखी जा सकती है, और गूगल में अगर आप खोजो तो गूगल मैप भी होता है जिससे आप अपने रास्ताओं को खोज भी सकते हैं। वैसे एक और ऐप होता मेरे अंदर जो यूट्यूब है। यूट्यूब तो आपके सभी मोबाइल में होता होगा। यूट्यूब लाभदायक भी है, हानियाँ भी है। तो चलो पहले इसके लाभ जानते हैं। लाभ क्या है इसके कि आप पढ़ाई की वीडियोस देख सकते हैं जैसे गूगल में दिखाए जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान ब्लॉग बनाता है पैसे कमाने के लिए यूट्यूब द्वारा, लेकिन वह तो उसमें पागल हो जाता है कि कब मैं वीडियोस डालूं, कब मुझे लाइक्स मिलेंगे, कब मुझे कमेंट आएंगे। लेकिन जब वही कमेंट जब कुछ बुरे आते हैं तो उसके मानसिक पर बहुत असर पड़ता है। गूगल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जैसे सिलाई करना या कढ़ाई करना, या आजकल के ज़माने में तो मम्मियों के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। क्यों? क्योंकि वे व्यंजन विधि देखकर नए नए प्रकार के खाना बनाना सीखते हैं, नए नए प्रकार के डिश बनाकर सीखकर अपने बच्चों और अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। और जैसे टीवी में दिखाया जाता है, यूट्यूब के जैसा टीवी में दिखाया जाता है समाचार, गाने, फिल्में और बहुत सारी चीज़ें, वैसे ही आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। समाचार जो टीवी में लाइव दिखाया जाता है वैसे ही आप समाचार मोबाइल में भी लाइव दिखा सकते हैं। लेकिन टीवी की एक बात है कि वो बड़ी होती है और उसको आप हर जगह लेके तो नहीं घूम सकते ना। लेकिन मोबाइल को अपने जेब में रखकर जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। लेकिन वैसे ही जेब में रखने के लिए सब चीज़ के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा क्या आवश्यकता होती है, चार्जिंग। जैसे इंसान को खाने की आवश्यकता होती है जिनसे उन्हें ऊर्जा मिलती है और वे कार्य करता है, वैसे मुझे तो चार्जिंग की आवश्यकता होती है जिससे मुझे ऊर्जा मिलती और उसी से मैं कार्य करता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लाभ होते हैं मेरे अंदर। बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारे फ्यूचर्स होते हैं। इसमें से बहुत सारे फ्यूचर्स में से एक सबसे फेमस और सबसे मशहूर होता फ्यूचर कैमरा। कैमरा तो आपने देखा होगा, मैं अगर कैमरा होती, मैं मोबाइल होती तो मेरे अंदर कैमरा नामक ऐप तो होता ही होता, और उससे लोग बहुत सारे वीडियोज़ और फोटोज़ लेते, और वही कैमरे की मदद से मैं गैलरी नामक भी होता मेरे अंदर, जिससे मैं वो गैलरी नामक में फ़ोटो खींच कैद भी कर रख पाती, तापमान की जानकारी दे पाती वेदर ऐप से कि होने वाला तापमान सही है, उससे आपको सतर्क रख पाती, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता पाती। और लेकिन मेरे बहुत सारी हानियाँ भी तो होती, जैसे आँखों की रोशनी जाना, नेत्र समस्या, हृदय रोग, और अपनों से दूरी भी हो जाती है। इस वजह से मेरे तो लाभ होते ही होते, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए मेरी हानियाँ भी होती, और बच्चों को इस समय में बहुत से असर होते। तो इस समय मैं आपको सुझाव देना चाहूँगी कि मेरे उपयोग से आप सीमित ही करें, और यदि तुम मेरा उपयोग सीमित तरीक़ों से करोगे तो निश्चय ही मैं किसी वरदान से कम नहीं रहूँगी। और मानो लेकिन मेरे अंदर से बहुत सारे चीज़ें तरंगे हैं जो कभी कभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। वैसे मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए कहना चाहती हूँ कि यदि मैं मोबाइल होती तो मेरा उपयोग सीमित तरीके से करें और मैं बुरी चीज़ ना करूं। धन्यवाद। दो शटी सर की क्लास है कॉलेज वाले में, और एक तुम्हारा आदर्श नहीं, वो सर देखिए ब्लू शर्ट में थे ना, उनको दे स्कूल के कुछ नहीं। नेक्स्ट चांस
कोई बात नहीं, यूट्यूब में है ना शकील सर की क्लास, आदर्श विद्यालय। हाँ हाँ देखिए फिर आपको कहाँ देखना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे होते हैं? मुश्किल हो सकते हैं दोस्तों, पीडीएफ डाल देना चाहिए ना ग्रुप में, डाल देना चाहिए। हमारे सर तो ग्रुप में डाल ही देते हैं पूरा, हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इंसानी तकनीकी सलाहियत जज्बात को समझ नहीं सकता। हमें अपने फिक्री जहन को तरक्की देते रहना चाहिए।